हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी किचन में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ भरमा भिंडी बनाने का सही तरीका। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने ये थोड़ी 200 ग्राम भिंडी ले ली हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से साफ करके। अब मैं इनको काट लूँगी। आपको इसी तरह से कट करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सभी भिंडियों को काट लिया है। अब इसमें दो तीन मिर्च और डाल देती हूँ काट के। मैंने यहाँ सारी भिंडियों को और मिर्च को कट कर लिया है। अब इसके लिए जिन जिन मसालों की ज़रूरत है मैं आपको दिखा रही हूँ। टू टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये मैंने थोड़ी हींग ली है इसमें। हाफ टेबल स्पून रेड चिली, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच तेल, मैंने इधर आधा नींबू का रस ले लिया है। हाफ टेबल स्पून अजवाइन लिया, हाफ टेबल स्पून नमक लिया है मैंने। सभी मसालों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। मैंने अजवाइन ले लिया है, हल्दी पाउडर, ये रेड चिली, धनिया पाउडर, और मैं थोड़ी हींग ले लूँगी। अब ये नींबू का रस लिया है मैंने। अभी थोड़ा मैं नमक डालूंगी। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अब ये मैं तेल डालूंगी। तेल डाल के सारे मसाले को मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब देखिए ये सारा मसाला मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको हम भिंडियों में भरेंगे। तेल इसमें अपने हिसाब से ही डालें कि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको सारी भिंडियाँ भर लेनी हैं। अब मैंने सभी भिंडियों में अच्छे से मसाला भर लिया है। अब इसको इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, देखो इसमें ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देती हूँ मैं। अब ये गर्म हो गया है, मैंने सारी भिंडियों को इसमें डाल दिया है। अच्छे से इनको चला देते हैं। अब चलाने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए ढक के और बनने देते हैं सिम के स्लो गैस पे बस। अब मैंने इसको ढक दिया है। इसको बीच बीच में एक दो बार चलाना है जिससे ये नीचे ना चिपक जाए। अभी हमारी भिंडी देखो तैयार हो चुकी हैं। अब इनको कंटेनर में डाल देते हैं। अब मैं इसमें पास्ता मसाला डाल दूंगी, और अगर आप चाहो तो मेयोनीज भी डाल सकते हैं जिससे इसका स्वाद दोगुना हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।